नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। फतेहपुर की खागा कोतवाली के रोशनपुर टोकारी गांव में मामूली विवाद में सगे भाई ने भाई की धारदार हथियार और लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि छोटा भाई खेत में पानी लगाए हुआ था और उसका किसी बात को लेकर बड़े भाई से विवाद हो गया, जिसके बाद बड़े भाई ने पहले तो लाठी डंडों से उसको पीटा, फिर धारदार हथियार से मौत के घाट उतार कर वहां से फरार हो गया। मौत की खबर मिलते ही परिजन और गांव वालों का जमावड़ा लग गया। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और हत्या के आरोपी सगे भाई को गिरफ्तार भी कर लिया है। बैठा था पैसा वैसा के चक्कर में, पैसा वैसा मांग रहा था, पैसा वैसा कहाँ से रोज पैसा देगा उसको गांजा पीने के लिए। वो हाउद है ना, हाउद के ऊपर बैठा था, यहाँ से एक बांस लेके गए, बांस पीछे से मार दिया। जब मार दिया तो वो उठ के भागा, जब भागा तो यहाँ गिर गया, गिर गया तो उसने पीछे से ला के फावड़ा चालू कर दिया मारना, काट डाला, काट के सब सामान रख के ताला बंद करके जाके वहाँ ट्यूबवेल में बैठा था, बाबूबा के ट्यूबवेल पर। अरे आपस में हल मतलब थोड़ा थोड़ा विवाद किए, पानी का विवाद क्या जी, पानी का विवाद था जी। तो सुबह कितने बजे घटना? 5 बजे। कैसे मारा इसको? फड़ुआ से मारा, फावड़ा से काट दिया जी। क्या नाम इसका जिसको मारा? अनिल। अनिल साहू। मारा किसने? मारा इसको बड़ा भाई। थाना खागा के रोशनपुर टेकारी गांव में दो भाइयों में आपसी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की लाठी और फावड़े से हत्या कर दी है। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जो भी आला कत्ल है उसको भी बरामद कर लिया गया है। किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था की समस्या नहीं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।